Hello everyone, welcome to Cosmic English Academy. So in this lesson we are going to learn future perfect tense. इस लेसन में हम जानेंगे कि future perfect tense का definition, structures and कुछ uses. So ये वीडियो बहुत ही important होने वाला है आप लोगों के लिए. So वीडियो को last तक जरूर देखिए और एक like, share and subscribe करना भी मत भूलिए. So without further ado, let's get started. Future perfect tense is a verb tense that describes an action that will be completed at a specific point in the future. So future perfect tense एक verb tense है जो future में जो कार्य कंप्लीट हो चुका होगा एक स्पेसिफिक पॉइंट पे, एक पार्टिकुलर पॉइंट पे, उसको डिस्क्राइब करता है. चलिए अब हम बात करेंगे एक्टिव वॉइस में फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर्स के विषय में. सर्वप्रथम हम बात करेंगे अफर्मेटिव स्ट्रक्चर का. अफर्मेटिव सेंटेंस में जो स्ट्रक्चर रहता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वो है सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब. ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल मीन्स थर्ड फॉर्म जो कहलाता है. जैसे आई विल हैव फिनिश्ड माई प्रोजेक्ट बाई नेक्स्ट मंथ. ठीक है, नेक्स्ट मंथ तक मेरी प्रोजेक्ट जो है उसे खत्म कर चुका हूँ. और इसी को जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो उसमें लगेंगे बस नॉट लगाना होता है विल और हैव के बीच में. सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब. एग्जांपल, आई विल नॉट हैव फिनिश माय प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट मंथ. ठीक है, नेक्स्ट मंथ तक मेरी प्रोजेक्ट को मैं नहीं कंप्लीट कर चुका हूँ. और इसी को हम इंटरोगेटिव भी बना सकते हैं. इंटरोगेटिव मीन्स क्वेश्चन करने के लिए. विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब. विल आई हैव फिनिश्ड माय प्रोजेक्ट नेक्स्ट मंथ. इसका मतलब होता है क्या मैं नेक्स्ट मंथ तक मेरे प्रोजेक्ट को खत्म कर चुका हूँ. तो मैंने यहाँ पर बस एक सब्जेक्ट को यूज किया है ताकि आप लोगों को समझने में आसान हो. सो पूरी सब्जेक्ट को अगर आपको चलाना है तो मैं लाइव वीडियो में आप लोगों को बताता हूँ, वहाँ पर आकर आप लोग देख सकते हैं. चलिए अब बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर इन पैसिव वॉइस. सबसे पहला है अफर्मेटिव सब्जेक्ट प्लस will have plus been plus past participle of the verb. ठीक है, तो example है यहाँ पे the project will have been finished by next month. तो यहाँ पर जो है project जो है अगले महीने तक इसको finish किया जा चुका होगा future में. ठीक है, तो यहाँ पर passive voice में क्या होता है कि project जो है project के ऊपर काम होता है, ना कि project खुद काम करता है. ठीक है, project के ऊपर काम होता है, जो project जो है इसको finish करने का काम किया जा चुका होगा future में. So next है नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव प्लस बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब. ठीक है, एग्जांपल, द प्रोजेक्ट विल नॉट हैव बीन फिनिश्ड बाय नेक्स्ट मंथ. प्रोजेक्ट जो है अगले महीने तक इसको कंप्लीट नहीं किया जा चुका होगा. इंटरोगेटिव बनाने के लिए विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब. एग्जांपल, विल द प्रोजेक्ट हैव बीन फिनिश्ड बाय द नेक्स्ट मंथ. क्या अगले महीने तक प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जा चुका होगा. चलिए अब बात करते हैं कुछ यूजेस के विषय में. फर्स्ट है एक्शन कंप्लीटेड एट स्पेसिफिक पॉइंट इन द फ्यूचर. कोई ऐसे एक्शन हो जो फ्यूचर में एक स्पेसिफिक पॉइंट पर कंप्लीट हो चुका हो, ऐसे सिचुएशन में हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं. जैसे आई विल हैव ग्रेजुएटेड बाय नेक्स्ट ईयर. नेक्स्ट ईयर एक ये स्पेसिफिक पॉइंट है. ठीक है, अगला साल ग्रेजुएट हो चुका हूँ. ठीक है, तो ऐसे सेंस में हम फ्यूचर परफेक्ट का यूज करते हैं. एंड जैसे नेक्स्ट है दे विल हैव मूव्ड टू न्यू हाउस बाय नेक्स्ट मंथ. ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट मंथ एक स्पेसिफिक पॉइंट है, तो नेक्स्ट मंथ तक वे एक नया घर में शिफ्ट हो चुका होगा. यहाँ पर भी हम फ्यूचर परफेक्ट का यूज करते हैं. दूसरा है द एक्शन दैट विल बी कम्प्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन इन द फ्यूचर. ठीक है, अब दूसरा क्या है कि जब भी कोई एक कार्य के पहले एक जो एक्शन फ्यूचर में कंप्लीट हो चुका होता है इसमें भी हम फ्यूचर परफेक्ट का यूज करते हैं. जैसे आई विल हैव फिनिश माई होमवर्क बाई द टाइम आई वॉच द टीवी. जैसे ही मैं टीवी देखता हूँ तब तक मैं अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुका हूँ. नेक्स्ट है शी विल हैव लर्न 3 लैंग्वेजेस बाय द टाइम शी ग्रेजुएट. तो यहाँ पर जब तक वो ग्रेजुएट होगी वो तब तक 3 लैंग्वेजेस को सीख चुकी होगी. ठीक है ना, तो यहाँ पर दो एक्शन है. एक एक्शन जो है सी ग्रेजुएट से और जब तक वो ग्रेजुएट होगी तो दूसरा एक्शन जो है कंप्लीटेड हो चुका होता है. इस सेंस में हम इस टेंस को यूज करते हैं. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आपको कैसा लगा वीडियो प्लीज कमेंट करके बताइए. और तब तक के लिए आप लोग ये वीडियो देख सकते हैं.